तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 50 एमसीक्यूज हम करेंगे किसके ऊपर? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर में। और जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछी जाती है, तो वो सारे हम इस वीडियो में यहाँ पर कवर कर लेंगे दोस्तों। और सारे इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में किसी तरह के भी क्वेश्चन आए, आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। तो दोस्तों, पहला आप देख लीजिए, ये ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओवरव्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो एपिग्लोटिस होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, एपिग्लोटिस होती है दोस्तों, साउंड बॉक्स जिसे कहा जाता है। फिर ये लैरिंग्स होती है, उसके बाद ये जो ये रेस्पिरेटरी वाली ऑर्गन है, ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप सांस लेते हैं। हमने लास्टली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने देखा था इस तरह से जो सेप होती थी दोस्तों, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे चले जाती थी और इस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की थोड़ी सी आती थी। तो अब इसी को कंटिन्यू करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यहाँ पे आपकी ट्रैकिया होती है और यहाँ पे दो पेयर ऑफ लंग्स होती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लंग्स की दो पेयर होती है, आपकी लंग्स है, और बीच में हल्का सा राइट की तरफ शिफ्ट होकर के हर्ट होती है, इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे जितने हैं, ये सारे रिब्स हैं, यहाँ पे गोल गोल करके दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे रिब्स हैं। और यहाँ पे देखिए लंग्स आपको बताया गया है, कट एंड ऑफ द रिब यहाँ पे आपको बताया गया है। और दोस्तों, ये जो लंग्स होती है, ये नीचे की तरफ जो मुरी हुई रहती है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि लंग्स को नीचे की तरफ से सपोर्ट कौन देता है दोस्तों, तो ये डायफ्राम ही देती है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए लंग्स के अंदर इस पार्ट को तो आप जानेंगे कि लंग्स है, इसके अंदर में देखिए क्या होता है, इस तरह की बहुत ही सारी एलवेली बनी रहती है, यानी कि रूट्स बने होते हैं। क्या बने रहते हैं दोस्तों? रूट्स बने रहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी इंसान को, ठीक है, अस्थमा होती है, अस्थमा होती है, या फिर उसे जो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी ये एल्वोली जो होती है दोस्तों, ये धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एल्वोली ब्रंचेस ये सारे बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों, यही आपके रूट्स टाइप के जो रहते हैं, उससे कहा जाता है ब्रोंचियल दोस्तों, ठीक है, ब्रांच टाइप के होते हैं, उसे ब्रोंचियल कहा जाता है। और जो गोल गोल यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसे एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लूरल फ्लूड, इसके अंदर की जो फ्लूड होती है, उसे प्लूरल फ्लूड कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ थे जो आपको जानने थे। और ये देखिए यहाँ पे अपने ब्रोंचियल पर लिया, ब्रोंचस दोस्तों ये ब्रांच को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ओवरव्यू आपने देख लिया कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन सा भाग होता है। तो दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे टोटल टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आप अगर जो देंगे दोस्तों, आज दे या आज से दो तीन चार साल बाद कभी भी आप एग्जाम देंगे, तो क्वेश्चन आपकी इसी से आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लेकर के चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि हमारे बायोलॉजी के जीएस है, यहाँ पे टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करने वाले हैं आपके आने वाले जितने सारे एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इस क्वेश्चन, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे आपको दोस्तों। ये नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा दिए, आंसर आपको बता दिए, आप जाइए याद करिए या ना करिए, उससे हमें फ़र्क नहीं। बट ऐसा नहीं दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो रखते हैं, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे हम क्वेश्चन रखेंगे, उसकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम में आएंगे, अगर जो क्वेश्चन घुमा के पूछती है, यानी कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो समझिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे यहाँ पर, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट्स ए रेस्पिरेटरी ऑर्गनिज। तो दोस्तों, आप कितने बार देखेंगे जो कॉकरोच होती है वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वो क्यों नहीं कर पाती? फ्रॉग तो सर्वाइव कर लेती है, बट कॉकरोच क्यों नहीं कर पाती? तो दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कॉकरोच जो होती है, उसके पास सिस्टम में ट्यूब होती है, ठीक है। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू ए सिस्टम ऑफ द ट्यूब। देखिए कॉकरोच जो होती है, वो ट्यूब सिस्टम से ब्रेथ करती है, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूब टाइप की सिस्टम जो डायग्राम में बताए थे दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। तो दोस्तों, कॉकरोच जो होती है, वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रेथ करती है। और ये जो ट्रैकिया होती है, ये एक ओपनिंग के साथ जुड़ी हुई रहती है, अटैच हुई रहती है, जिसका नाम है दोस्तों स्पायरेकल्स, ठीक है, स्पायरेकल्स जिसका नाम है। इसी के होने के कारण दोस्तों, कॉकरोच जो होती है वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती है। और एक और बात दोस्तों, कॉकरोच अगर जो कॉकरोच की हम बात करेंगे कि वो O2 और CO2 को एक्सचेंज किस तरह से करता है, तो दोस्तों कॉकरोच जो O2 और CO2 की एक्सचेंज जो करती है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ करती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कॉकरोच क्या करती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ अपने ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस की एक्सचेंजेस जो करती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू करती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपकी इस क्वेश्चन की
जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉकरोच जो रहती है उसके पास ट्रैकिया नामक एक ऐसा ट्यूब होती है जिससे वो रेस्पिरेशन अपनी करती है, और इसमें एक स्पाइरिकल नाम का ट्यूब होता है जिसके कारण वो वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। तो जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसके मदद से होती है? तो दोस्तों ये एरिथ्रोसाइट्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? एरिथ्रोसाइट्स की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड में वो एरिथ्रोसाइट से होती है। तो अब हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट है क्या आखिरकार। तो दोस्तों एरिथ्रोसाइट को हम RBC कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में। और इसके पास चार तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होती है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होती है आपको पता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होती है, जो दोस्तों ऑक्सीजन अगर जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और इसमें भी जो टिश्यू के बीच में जो प्रोसेस होते हैं ये भी डिफ्यूजन के कारण ही होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो होती है किसके कारण? एरिथ्रोसाइट के कारण। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर ब्लैडर इन फिश एक्ट एज। तो फिश के अंदर जो एयर ब्लैडर होती है वो किसके तरह बिहेव करती है? तो दोस्तों फिर फिश के साथ जो एयर ब्लास्टर होती है, ठीक है, एयर ब्लैडर जो होती है ये आपके हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन के तरह काम करती है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी एयर ब्लैडर जो होती है फिश के अंदर में, इसे ही दोस्तों एयर ब्लैडर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है एयर ब्लैडर को। तो इसके होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने तरह की आपके बोनी फिशेस होते हैं उसमें एयर ब्लैडर बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है दोस्तों। ये इस तरह की रोल प्ले करती है कि ये आपकी जो हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट होती है उसको क्या करती है, उसको ये मेंटेन करती है दोस्तों, यानी कि फिश को एनेबल कर देती है ना कि वो ज़्यादा डेप्थ में जाए और ना कि वो पानी में फ्लोट करे या फिर सिंक हो। या कि सपोज़ कि आपकी पानी के ऊपर फ्लोट भी नहीं हो सकती, क्योंकि मछली, देखिए मछली बीचों बीच क्यों चलती है दोस्तों, जहाँ वो चाहती है वहाँ वो जा सकती है, और सतह के ऊपर भी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है, एयर ब्लैडर है। ठीक है, एयर सैक है उसके अंदर में, स्विम ब्लैडर है दोस्तों, जिसके कारण वो स्विम कर जाती है, ना कि वो ज़्यादा डेप्थ में जा सकती है, ना ही वो अपने ऊपर जा सकती है, ना ही वो सिंक कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ के कारण उसके पास क्या होती है? हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, जिसका नाम एयर ब्लैडर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसको फ़ायदा होती है अपनी मूवमेंट को मेंटेन करने में। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। ऑन द एवरेज, ठीक है, ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों हम यहाँ पे एवरेज ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। एवरेज ह्यूमन के बॉडी में कितने ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एलिमेंट कितने प्रतिशत ह्यूमन के बॉडी में होती है। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये है 65। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इस बात को आप ध्यान दिया करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 65 आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि 65% ये अप्रोक्सीमेशन है दोस्तों, एवरेज की हम बात कर रहे हैं। 65% यहाँ पे ऑक्सीजन की एलिमेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला सवाल हमारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर। तो दोस्तों जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है ये, आपकी एलिमेंट्री स्कूल की सवाल है ये, है आपका इसका सही उत्तर ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होती है उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो रेस्पिरेशन जो होती है ये आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस आपको पता है, इसमें आपकी मैकेनिज्म होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे ऑक्सीडेशन, फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो ये सारे में किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। द ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू द किडनी इज द, ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई करती है किडनी को? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह की जो सवाल होती है आपके नीट जैसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को सप्लाई करती है किडनी तक? तो दोस्तों ऐसा कौन सा
ब्लड वेसल है आपको इस सवाल में पूछा गया। तो दोस्तों ये है रेनल आर्टरी। जो रेनल आर्टरी होती है यही एक ऐसी ब्लड वेसल है जो आपकी ब्लड को किडनी तक सप्लाई करती है। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि आपकी एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से नहीं छूटनी चाहिए, खास करके दोस्तों जीएस और मैथ सेक्शन से, ठीक है। ये जो साइंस की जो सेक्शन होती है, साइंस स्ट्रीम की जो सेक्शन होती है, जीएस जनरल साइंस में जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आए और यहाँ पे मैथ्स आए, मैं नहीं चाहूँगा दोस्तों कि मेरे नेतृत्व में रहते हुए आपको किसी तरह की कठिनाई हो और किसी भी तरह का जो क्वेश्चन सिली क्वेश्चन जो होती है जो आपके एग्जाम में छूट जाती है वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये है मेरी मोटो दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए जो ब्लड वेसल होती है वो रेनल आर्टरी जो होती है वो आपकी ब्लड को क्या करती है दोस्तों, किडनी तक पहुंचाती है, ठीक है। किडनी जो होती है एक्सक्रेशन में मदद करता है, आपको पता है किडनी की फंक्शन, आपको पता है किडनी हेल्प्स इन द एक्सक्रेशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो जितने सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में उसकी एक्सक्रेशन में मदद करती है किडनी, क्या, ब्लड के थ्रू, ठीक है। रेनल आर्टरी क्या करती है, वो ब्लड को रिसीव करती है कहाँ से, एरोटा से, सब एरोटा से उसे रिसीव करती है और किडनी में उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड का भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के चलने। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज। जो ह्यूमन के बॉडी में इनसफिशियंट ब्लड होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे दोस्तों हाइपर का मतलब एक्सेस होता है, हेमरेज का मतलब तो आप जान रहे हैं, और हेमोस्टेसिया जो होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है इस्केमिया, ठीक है। आइकेमिया भी इसे कहते हैं, इस्केमिया भी कहते हैं। तो इस्केमिया एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, एक ऐसा सिचुएशन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई सही तरीका से नहीं हो पाती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, आइकेमिया बोली या फिर इस्केमिया बोली, ठीक है। तो ये एक ऐसा दोस्तों सिचुएशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि अच्छे तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होती जितनी सफिशियंट होनी चाहिए, यानी कि इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज इस्केमिया, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इस सारे क्वेश्चन को, आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान से जवाब दे पाएंगे दोस्तों। तो द नंबर ऑफ चैम्बर इन ए ह्यूमन हार्ट इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, ताकि हम भी देखें आप कितना क्वेश्चन देख रहे हैं और कितना ज़्यादा ध्यान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें भी आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल हमारे रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन इज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो रेस्पिरेशन क्या होती है दोस्तों, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होती है। अभी अभी हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल ट्रैक प्लेस एट ए सेलुलर लेवल, यानी कि सेलुलर लेवल में क्या होती है, ब्लड ऑक्सीडेशन होती है किसकी, फूड पार्टिकल की, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, फूड की जो मटेरियल होती है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इसे आप जान गए। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट, हार्ट बीट होने के लिए अप्रोक्सीमेट टाइम कितनी होती है दोस्तों। तो जो हार्ट बीट जो होती है दोस्तों वो एक कार्डियक जो साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है, जो जो जिससे दोस्तों सिस्टोलिक और डिस्टोलिक रेशियो कहा जाता है, ठीक है, सिस्टोल एंड जॉइंट डिस्टोल कहा जाता है। एक सिंगल कार्डियक साइकिल में दोस्तों 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है, फाइव स्टेज में। तो इस बात को आप याद रखिएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट। तो हार्ट बीट होने के लिए अप्रोक्सीमेशन टाइम है दोस्तों आपका 0.8 सेकंड, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, हाउ मेनी टाइम डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन ए मिनट इन अ ह्यूमन, यानी कि एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है एक नॉर्मल ह्यूमन के पास, ठीक है, ये आपको सवाल में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी एक कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट करती है एक मिनट में, ठीक है, वो हार्ट की जो स्पीड है दोस्तों वो 72 टाइम है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ह्यूमन बॉडी की जो हार्ट होती है वो अप्रोक्सीमेटली एक मिनट में 72 बार बीट करती है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे दोस्तों, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ। तो जो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो होती है, जो बहुत सारे आज के टाइम में लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या होती है, किस तरह का प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर तो आप जानते हैं, लेकिन किस चीज़ पे प्रेशर पड़ती है, किसकी वाल पे प्रेशर पड़ती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होती है ये आर्टरीज़ के वाल पे प्रेशर करती है, ठीक है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल। ब्लड प्रेशर क्या है,
ब्लड की फोर्स होती है वॉल पे, किसके वॉल पे, आर्टरीज के वॉल पे। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। आज के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए नहीं दीजिए वो अलग बात है दोस्तों। ये सारे बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा आने पड़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए और आपको अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करना चाहिए कि देखिए जो ब्लड प्रेशर आप जानते हैं वो ब्लड प्रेशर क्या होती है, किस चीज़ की प्रेशर होती है, किसके वाल पे प्रेशर होती है। तो दोस्तों आप आर्टरीज बोलेंगे, बहुत लोगों को ये पता नहीं है दोस्तों। तो आप ये सारी चीज़ जाना करिए ताकि आप सबको बता पाए, ठीक है। ज्ञान बांटा करिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट होती है, ठीक है, आपको और अच्छे से याद हो जाती है। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होती है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जैसे हार्ट बीट में सिस्टोलिक डिस्टोलिक रेशियो होती है उसी तरह से इसे भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो अलग बात है दोस्तों। ब्लड प्रेशर आप जान जाइए ये किसके ऊपर एग्जर्ट होती है, आर्टरीज के ऊपर एग्जर्ट होती है। इसे वेन से बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत करिए, ठीक है, आर्टरीज के वाल पे ये प्रेशर देती है। अगला सवाल हमारे यहाँ पे, द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द, तो देखिए ह्यूमन की जो हार्ट होती है वो किसके अंदर इनक्लोज्ड रहती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। तो ह्यूमन की जो हार्ट होती है ये दोनों लंग्स के बीच में जो रहती है, हमने अभी आपको बताया कि थोड़ा राइट साइड में जो होती है हार्ट, ठीक है। तो ये जो हार्ट राइट साइड में होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, पेरिकार्डियम में होती है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है दोस्तों, ये फ्लूइड होती है, क्या होती है, फाइब्रिनियस टिश्यू के लेयर की एक फ्लूइड होती है जो आपकी हार्ट के चारों तरफ से सराउंड हुई है रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है दोस्तों, पेरिकार्डियम जो हमने यहाँ पे देखा, पेरिकार्डियम हमने देखिए यहाँ पे अपने सवाल में क्या पढ़ा, द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन, इनक्लोज यानी कि किसके अंदर बंद रहती है, पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहती है। तो पेरिकार्डियम क्या करती है, एक्सेसिव रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्यूट ब्लड ओवरलोड। तो देखिए बहुत सारे एक्यूट जब ब्लड लेवल जब होने लगते हैं, एडिक्यूट ब्लड लेवल होने रहते हैं, तो उसमें क्या करती है, वो उसको रिलैक्सेशन दिलाती है, क्या दोस्तों करती है, उसे प्रिवेंट करती है, उसे बचाती है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन देती है, पेरिकार्डियम के अंदर में इनक्लोज रहती है। अगला सवाल अब यहाँ पे देखिए, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ, रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रीट होती है किसके मदद से होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान से सवाल है, ये एस्पिरिन के कारण होती है, बट आप यहाँ पे समझिए इस सवाल को अच्छे से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है। तो देखिए रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज ए डैमेज टू द वन और मोर हार्ट वाल्व, तो हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उसमें डैमेज होने लगती है, ठीक है, एक और दो हार्ट के वाल्व्स पे क्या होती है, डैमेज होने लगती है, ठीक है। और उसके कारण क्या होती है दोस्तों, परसिस्टेंट जो एक्यूट रूमेटिक फीवर होने लगती है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी फीवर होने लगती है, और इस केस में डॉक्टर आपको एस्पिरिन या फिर एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड जो होती है, ठीक है, सेलिसाइक्लिक एसिड के बारे में अपने पढ़ा होगा जो आप क्लास 12 के एग्जाम साइंस से दिए होंगे, बट उतना आपको जानने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। बस आप यहाँ पे जानिए कि एस्पिरिन जो होती है इसके अंदर सेलिसाइक्लिक एसिड होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो दवा होते हैं इसे क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पेन को रिलीफ देता है उसे एनाल्जेसिक ड्रग कहा जाता है, ठीक है। तो एस्पिरिन आपकी एनाल्जेसिक ड्रग है, तो ये जब आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो आपको एस्पिरिन नामक यहाँ पे दवा ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपको इससे आराम मिलती है क्योंकि एक एनाल्जेसिक दवाई होती है, ठीक है, आपकी फीवर से और आपके पेन से आपको बचाता है दर्द होने से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड विथ ए डिजीज दैट अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ, तो माइकोप्लाज्मा जो होती है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एवर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एवर यानी कि वर्ल्ड इस दुनिया में जो सबसे छोटी बैक्टीरिया है उसे माइकोप्लाज्मा कहा गया है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है किस डिजीज़ के साथ, किस ऑर्गन के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड है। तो माइकोप्लाज्मा इज ए बैक्टीरिया, आपको पता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा एक इस तरह की बैक्टीरिया होती है जिसके पास क्या होती है दोस्तों, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताए जाएंगे। तो माइकोप्लाज्मा में आपने यहाँ पे क्या जाना है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो देखिए, एंड सर्वाइव विदाउट द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के एबिलिटी में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाती है। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है दोस्तों, ये निमोनिया कर देती है, क्या में,
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको निमोनिया ज़्यादातर करा देती है। इट एडहर टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एवेड होस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। तो दोस्तों बेसिकली बात किया जाएगा तो माइकोप्लाज्मा ये जो रहती है आपकी, वैसे हम चैप्टर की बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो आंसर भी आप इसकी आसानी से रेस्पिरेशन मार ही लेंगे। बट माइकोप्लाज्मा क्या करती है दोस्तों, बैक्टीरिया जो रहती है ये आपकी सेल सेल यानी कि इसके पास सेल नहीं है, ये निमोनिया क्रिएट कराने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा ये जो होती है रेस्पिरेशन के साथ में एसोसिएटेड है। अगला सवाल है हम यहाँ पे, द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इज, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिसे कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स होती है उसकी मेन फंक्शन क्या होती है बॉडी में, तो दोस्तों लिम्फोसाइट जो होती है वो उसकी मेन फंक्शन ये होती है दोस्तों, ये एक तरह से प्रिवेंशन की काम करती है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट कराती है क्या से दोस्तों, बहुत ही तरह के जो डिजीजेज होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट कराती है। तो दोस्तों जो WBC होती है लिम्फोसाइट से जो आती है, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं दोस्तों, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, हमने आपको प्रीवियसली बताया रखा है। तो WBC को आप नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट LUKOCYTE, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो WBC होती है या फिर ल्यूकोसाइट जो होती है दोस्तों, ये ब्लड प्लेटलेट होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, बोन मैरो रिलीज करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, बोन मैरो रिलीज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट, ये तीन दो तरह के लिम्फोसाइट रिलीज कराते हैं, और जो आपकी बॉडी में बोन के अंदर में जो जूसेस होते हैं बोन मैरो, उसको ये रिलीज करती है, ठीक है। तो WBC क्या करती है दोस्तों, आपके हेल्प करती है इन्फेक्शन, जो आपके बॉडी में जितने तरह की इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी क्रिएट कराती है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, इस बात को आप बस जान लीजिए दोस्तों। तो आपको पता है कि WBC आपको इम्यूनिटी क्रिएट कराती है, तो इससे आपको पता चलता है दोस्तों कि आपके इम्यूनिटी क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट कराना, ठीक है। तो यही है इस सवाल का आंसर दोस्तों। तो WBC क्या होती है, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। WBC जो होती है इसे एक वर्ड में कहा गया, एक नाम दिया गया जिसे कहा जाता है सोल्जर ऑफ द, ठीक है दोस्तों, सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी के सिपाही है ये WBC। ये क्या करते हैं, आपको डिजीज़ से प्रोटेक्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट होते हैं, WBC होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं, बोन मैरो क्रिएट होते हैं इसके अंदर में, और ये बहुत सारे आपके बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करवाती है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ, लंग्स किसके प्राइमरी ऑर्गन हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अभी भी देखा कि लंग्स जो होती है ये आपकी प्राइमरी ऑर्गन है किसकी, रेस्पिरेशन की। क्यों रेस्पिरेशन की, क्योंकि दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि रेस्पिरेशन जो होती है लंग्स के मदद से होती है, आपने डायग्राम में भी देख रखा है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो देखिए दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन के मदद के बिना जहां रेस्पिरेशन हो जाए उसे एनएरोबिक, देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के मदद के बिना रेस्पिरेशन होना। आपने अभी अभी पढ़ा रेस्पिरेशन का अर्थ कि ऑक्सीडेशन होना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी दोस्तों। बट इसी तरह की रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें किसी भी पोजीशन में आपकी ऑक्सीजन की यूजेस होंगी, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूजेस कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, रिसरपाइन इज यूज टू, रिसरपाइन क्या होती है दोस्तों, रिसरपाइन एक अल्कलॉइड होती है, ठीक है दोस्तों, जो आपकी एक प्लांट होती है, ठीक है, रूफोलिया सरपेंटिना, ठीक है, सरपेंटिना रूफ, देखिए रोवोल्फिया सर्पेंटीना नाम का एक दोस्तों प्लांट होती है, उसके रूट से ये रेसरपाइन निकाला जाता है, ठीक है। रेसरपाइन क्या होती है, तो एंटी साइकोटिक एक ड्रग तरह की होती है, ठीक है, जो क्या करती है दोस्तों, आपकी हाई ब्लड प्रेशर को और जो आपकी जितने तरह की बुरी सिम्टम है उससे आपको मदद करती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में ये मदद करती है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो इसको आप याद रखिएगा, रिसरपाइन जो होती है दोस्तों ये आपकी ठीक है सरपेंटीना नाम का एक प्लांट होती है, उसके रूट से इसे निकाला जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये आपकी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कराती है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट नॉट हैव ब्रेन।
तो दिए गए ऑप्शन में से आपको पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है बट इसके पास ब्रेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने। तो दोस्तों ये है आपकी स्टारफिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसे आप जानिए। स्टारफिश के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होती है बट इसके पास ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, स्टारफिश क्या होती है, एक एक आपको पता है स्टारफिश स्टार की तरह होते हैं, आप सभी लोग जान ही रहे होंगे स्टारफिश क्या होती है। ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है जो कि आपकी फाइलम एचिनोडर्मेटा नाम की होती है, एचिनोडर्मेटा बोलिए या फिर एचिनोडर्मेटा बोलिए। ठीक है, एचिनोडर्मेटा जो होती है दोस्तों, ठीक है आप समझ रहे होंगे, एकिनोडर्मिटा जो होती है उसकी फाइलम से आती है। स्टारफिश जो होती है वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन इसके पास होते हैं बट इसके पास ब्रेन नहीं होती है। स्टारफिश लैक ए सेंट्रलाइज ब्रेन, ठीक है, यानी कि इसके पास सेंट्रलाइज जो ब्रेन होती है वो नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लें अपने इस क्वेश्चन। अगला सवाल हम देखते हैं, ECG इज यूज टू डिटेक्ट द फंक्शन ऑफ। ECG जो होती है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप जान रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इको कार्डियोग्राफ। ठीक है, इको कार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो इको कार्डियोग्राफ जो होती है दोस्तों ये आपकी किस चीज़ की फंक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। ECG जो टेस्ट होती है किस चीज़ की फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ये सवाल आपके SSC में 2004, 2008, 2013, 2014 लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ECG जो होती है इको कार्डियोग्राफ, ये किस चीज़ की यहाँ पे डिटेक्ट करती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हार्ट की फंक्शन को डिटेक्ट करती है। ठीक है, हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसको डिटेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस यानी कि हार्ट के अंदर मसल में जितने तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है, किसके कारण, डीपोलराइजिंग और पोलराइजिंग जो कार्डिक साइकिल होती है दोस्तों उसको यहाँ पे डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो ECG आप जान जाइए दोस्तों, ये हार्ट की साइकिल के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, हार्ट अटैक अकर ड्यू टू, जो इंसान में हार्ट अटैक आती है वो क्यों आती है दोस्तों। ठीक है, तो हार्ट अटैक जो होती है इंसान में दोस्तों, जो ब्लड की सप्लाई जो होती है हार्ट तक वो एडुकेटली नहीं हो पाती है, यानी कि अच्छे तरह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड हार्ट तक सप्लाई नहीं हो पाती है, तब हार्ट की अटैक आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप जान जाइए, जब इंसान टेंशन लेता है तो उसकी ब्लड की सप्लाई होनी, देखिए ब्लड प्रेशर चढ़ जाती है या फिर गिर जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड की सप्लाई हार्ट तक अच्छे से नहीं जा पाते हैं, उसके कारण हार्ट अटैक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की ये साइकिल चलती है हार्ट अटैक के लिए। तो हार्ट अटैक जो होती है दोस्तों, ये फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि देखिए हार्ट अटैक कब होती है, जब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होती है, ठीक है, जो ब्लड की सप्लाई होती है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। आपको पता है ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है जो हार्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है उसकी अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कि सडनली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके कारण वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाती है, उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, हार्ट अटैक हो जाती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसका एक और नाम है, इसका नाम है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे CAD कहा गया है। ठीक है, CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं दोस्तों वो हार्ट तक अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाते, ब्लॉक हो जाते हैं कहीं में, उसके कारण CAD हो जाता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, वाइट लंग्स डिजीज इज प्रिलिवेंट, ठीक है, प्रीवेलेंट अमंग द वर्कर ऑफ, तो जो तो वाइट लंग डिजीज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये आपके SSC CGL 2011 का सवाल है। तो वाइट लंग डिजीज़ जो होती है वो प्रिलिवेंट किसके लिए प्रीवेलेंट होती है, ठीक है, कौन से वर्कर लोग को ज़्यादा ये होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री होती है ना, पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री, उनके वर्कर लोगों को ये ज़्यादा देखा जाता है। तो वाइट लंग डिजीज़ क्या होती है दोस्तों, इसे एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है वाइट लंग्स डिजीज़ को। ये क्या होती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एक तरह की, जिसमें क्या होती है, फाइबर जो होती है अंदर में, ठीक है, हार्ट के सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो फाइबर होती है उसमें ब्लॉकेज आना स्टार्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, एक तरह से ये न्यूमोनिया टाइप के भी आप इसे कह जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए आप इसमें।
जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोस्तों देखिए, जो इनगो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो डस्ट होते हैं, केमिकल इरिटेंट होते हैं, यानी कि जिससे इरिटेशन कॉज होती है ह्यूमन को, ठीक है। तो वो सारे जो डस्ट होते हैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, तो वो सारे डस्ट ह्यूमन जो रेस्पिरेशन करने के दौरान, यानी कि सांस लेने के दौरान उसके अंदर चले जाते हैं, सांस के दौरान एयर के थ्रू वो लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण क्या होता है, वाइट लंग डिजीज, इसलिए इसे कहा गया है दोस्तों, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ही हार्मफुल यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, हम देखते हैं द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज, लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर करती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने ऑलरेडी पहले ही हमने देख लिया है, प्लोरा कहा जाता है। हमने फिगर आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी में हमने आपको बताया था कि उसे प्लोरा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, देखिए लंग्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, आपने जानते हैं। तो प्लूरा यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन कहीं नहीं दिया गया है, तो प्लूरा आप समझ रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के लिए ही कहा गया है, तो ये है, ठीक है। उसमें क्या होती है, फ्लूड भरी रहती है, जैसे कि हमने आपको लंग्स की फिगर दिखाते टाइम ही बताया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल अपना, टोबैको स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेंस। तो दोस्तों जो टोबैको होती है, टोबैको कॉजेज कैंसर, आपको पता है, और जो स्मोकिंग जो होती है, ठीक है, जो स्मोक करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो इंजूरियस टू हेल्थ क्यों होती हैं, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। आप तो हर जगह जाते हैं, आपको हर जगह दिखाई देता है, आप सिगरेट का डब्बा भी उठाएंगे तो उसके पीछे में भी लिखा जाता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ठीक है, टोबैको कॉजेज कैंसर, इस तरह से आपको लिखा रहता है। बट क्यों दोस्तों, क्यों ये आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, टोबैको क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन, कोई भी कार्बन होती है उसको ऑक्सीजन के साथ में जब हीट किया जाता है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये CO2 बन जाती है, ठीक है। या फिर अगर जो हम बात करेंगे CO2 को, ठीक है, CO2 को जब दोस्तों हीट किया जाएगा तो ये CO+O2 में बन जाता है, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में बन जाता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बन जाता है, ठीक है, या फिर 2CO बना देती है, ठीक है दोस्तों। CO2 को जब हीट किया जाता है, देखिए ये CO2 है, इसको आप जला रहे हैं, ठीक है, हीट का समेसन हम डेल्टा से दिखाते हैं, इससे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, तो इसकी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी जल करके, ये आपको CO मिलेगी, ठीक है, 2CO मिलेगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके, इसकी धुआँ, ठीक है, इसकी धुआँ जो होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है आपके लिए, ठीक है। तो इस बात को आप जानिए, तो देखिए अच्छे से हम समझते हैं। तो देखिए स्मोक जो होती है, टोबैको की जो स्मोक होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। आप अगर जो बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का हाथ है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो होती है बहुत ही टॉक्सिक गैस है, ठीक है, टॉक्सिक गैस है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ये जो होती है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है, देखिए इससे आपको क्या दिक्कत है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे अंदर पेट में, आपके रेस्पिरेटरी पार्ट में जाएगा, फिर क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेशन होते हुए हमने अभी भी पढ़ा था कि आर्टरी से होते हुए आपके लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये लंग्स पे आपकी जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाती है, ऑक्सीजन के साथ ये होमोग्लोबिन जो होती है दोस्तों, होमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है दोस्तों, चिपक जाता है, कंबाइन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है, कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बना देती है, ठीक है, कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑक्सी होमोग्लोबिन, बट दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के जाने के कारण कार्बोऑक्सी मोनोहोमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जो आपकी क्या करती है, आपकी होमोग्लोबिन की जो प्रोड्यूस होती है, आपके जितनी पावर होती है होमोग्लोबिन की, वो घटा देती है आपकी बॉडी में, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और जितने सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकर के जा सकता है वो ब्लड, उसको क्या करता है, होमोग्लोबिन जितने ज़्यादा लेकर के जा सकता है उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है, इतना आप समझ गए दोस्तों। तो जो पर्सन होती है इससे सफ़र करती है, उससे क्या होगा, उसे नोज़िया हो सकती है, उसे हेडेक हो सकती है, वोमिटिंग होगी, फैटी होगी, तो इस तरह के चीज़ें उसके साथ देखे जाते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग इसलिए इंजूरियस है दोस्तों, आप यहाँ पे समझ गए। अगर जो आप चाहते हैं तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, टोबैको अगर जो आप जलाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप जलाते हैं तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही हार्मफुल गैस है आपके हेल्थ के लिए। ये आपकी क्या, आप जब सांस लेते हैं दोस्तों, ये आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी जो धुआँ होती है आपकी लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो ये क्या करती है, अब
ब्लड हार्ट की तरफ भेजती है, हार्ट की तरफ भेजती है तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ में ये कार्बन मोनोक्साइड चिपक जाती है, कंबाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है तो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बना देता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है दोस्तों। आपकी होमोग्लोबिन को क्षमता की, होमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है उसको पूरे तरह से घटा देती है, ठीक है। यानी कि अब जो जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो हार्ट तक लेकर के जाएगी, प्योर ब्लड को लेकर के जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, उसकी पावर को ये क्या कर देता है दोस्तों, सप्रेस कर देता है। उसके कारण क्या होता है, इंसान में फैटिक आ जाती है, वोमिटिंग आने लगती है, इसी तरह से बहुत सारा ये साइकिल और आगे जाता है और आगे जा करके इंसान को कैंसर हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने स्टूडेंट अपने एलिमेंट्री स्कूल में भी इस सवाल को पढ़ा होगा दोस्तों। जो फ्रॉग होती है वो हाइबरनेशन पे जाती है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइबरनेशन का मतलब था कुछ टाइम तक स्थिर हो जाना, ठीक है, कुछ टाइम तक के लिए सो जाना, आप समझ सकते हैं। कुंभकर्ण जो आप सोते थे दोस्तों, उससे भी हाइबरनेशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो जो हाइबरनेशन के स्टेट में जो फ्रॉग रहती है, ठीक है, तो हाइबरनेशन की स्टेज में जो फ्रॉग रहती है, ठीक है गाइस, तो उसमें क्या होती है, तो अपने स्किन के साथ वो क्या करती है दोस्तों, रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करती थी। फ्रॉग में ये खासियत है दोस्तों। तो फ्रॉग जो हाइबरनेशन करती है, हाइबरनेशन का दोस्तों दूसरा नाम आप कह सकते हैं विंटर स्लिप कहा जाता है, ठीक है। विंटर स्लिप जो होती है उसे हाइबरनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइबरनेशन होती है, जो फ्रॉग जो करती है हाइबरनेशन, ये अपने स्किन के थ्रू करती है, ठीक है। हाइबरनेशन ये क्या होती है, विंटर स्लिप होती है। जितने तरह के ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे कि फ्रॉग जो होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हाइबरनेशन लेते हैं और ये स्लिप करते हैं, क्यों दोस्तों, ये अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है, व्हाट एक्यूमुलेट इन द मसल फाइबर कंटिन्यूस स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्पररी एन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट कॉजेज मस्कुलर फैटिक। दोस्तों जो मस्कुलर फैटिक होती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या यहाँ पर अडोप्ट हो जाती है, क्या प्रोड्यूस होने लगती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है, जिसके कारण आपको मस्कुलर फैटिक हो जाती है। तो दोस्तों जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते जाएंगे बिना किसी रेस्ट के साथ, तो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके ब्लड में, ठीक है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपके ब्लड में किस चीज़ की फॉर्मेशन होने लगती है, मसल में आपकी दोस्तों लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। क्या होने लगती है, लैक्टिक एसिड की आपके मसल में फॉर्मेशन होने लगती है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड आपके मसल में फॉर्मेशन होने लगती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और आपकी मस्कुलर फैटिक होने लगती है, ठीक है। इस बात और आपको इसके कारण इरिटेशन और पेन महसूस होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है, क्रैम्प आने लगते हैं आपको, इसलिए आने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती आपकी मसल्स में, बॉडी में, ठीक है, ब्लड में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिए, बहुत ही आसान से सवाल थे दोस्तों, आपने आसानी से इसे समझ भी लिया, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम अपना, ड्यूरिंग हार्वेस्ट, देखिए हमने देख लिया है, वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन आर, देखिए ह्यूमन के, सॉरी, जो वोकल कॉर्ड होती है दोस्तों जहाँ से लोग बात करते हैं, वो वुमेन की जो होती है मैन की तुलना में कितना होती है, शॉर्टर होती है ना लॉन्गर होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वोकल कॉर्ड जो होती है, ठीक है, तो जो वोकल कॉर्ड होती है दोस्तों ये मैन की तुलना में वुमेन की कम होती है, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर शॉर्टर देन, 5 मीटर शॉर्टर देन मैन, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, फीमेल की वोकल कॉर्ड 5 मीटर छोटी होती है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द, ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है आपके यहाँ पे। तो ह्यूमन में दोस्तों जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आपकी लैरिंग्स के कारण होती है, किसके कारण होती है, लैरिंग्स के कारण होती है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, जो लैरिंग्स होती है आपकी, ठीक है, लैरिंग्स होती है दोस्तों ये होती है, इसी के कारण आपके ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हम जो साउंड निकाल पाते हैं, हम साउंड निकालते हैं ये लैरिंग्स के कारण ही निकाल पाते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट, जो मैन के अंदर वोकल कॉर्ड होती है वो कितने मीटर की होती है। अभी अभी आपने देखा कि फीमेल की 5 मीटर शॉर्ट होती है मेल से, ठीक है। अब आप ये भी जान जाएंगे कि वुमेन की कितनी होती है, क्योंकि आपको यहाँ इस सवाल पे मैन की पता चल जाएगा और पिछले सवाल में आपने देखा था कि फीमेल की कितने ज़्यादा छोटी होती है वो भी देख लिया, तो आप फीमेल की आसानी से निकाल लेंगे। तो वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट, तो जो मैन में वोकल कॉर्ड जो होती है दोस्तों वो होती है 20 मीटर के अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, 20 mm, मैं मीटर बोल रहा हूँ दोस्तों, mm के हिसाब से, ठीक है, 20 mm की, पहले वाले भी सवाल में दोस्तों mm ही थी, ठीक है, मैं मीटर आपको बोल दिया था गलती से। तो देखिए
जो मेन की वोकल कॉर्ड होती है वो 20 mm होती है, फीमेल की वोकल कॉर्ड क्या होती है दोस्तों, 5 मीटर कम, 5 mm कम होती है मेल की, मेल से। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि फीमेल की वोकल कॉर्ड की साइज़ क्या होगी, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पाइरूविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। बहुत ही आसान से सवाल दोस्तों, ये हमने लास्ट क्लास में कर रखा है डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो जो दोस्तों ये जो होती है पाइरूविक एसिड की जो बनना होती है दोस्तों, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जितने सारे सेल होते हैं उसके पावर हाउस होती है, जितनी तरह की एनर्जी चाहिए, जिसे कहा जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होती है दोस्तों, ATP नामक जो एनर्जी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। यानी कि वाटर एंड एनर्जी जो रिलीज होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगी, ठीक है। पाइरूविक एसिड इसके अंदर ही टूटेगी, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, जस्ट बोर्न बेबी हैज़ ए रेस्पिरेटरी रेट एज, जो बेबी जस्ट बोर्न होती है, ठीक है, उसकी रेस्पिरेटरी ठीक है, जस्ट बोर्न बेबी हैज़ ए रेस्पिरेटरी रेट एज, रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है दोस्तों। तो इसकी रेस्पिरेटरी रेट दोस्तों 32 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 32 टाइम्स पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट उसकी चलती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए जस्ट बोर्न बेबी इज 30 to 60 times, 30 से 60 times हो सकती है, ठीक है, मिनट, ठीक है, पर मिनट। द रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी रेस्पिरेटरी रेट वैसे वैसे घटती जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये 32 times का मतलब दोस्तों ह्यूमन जितना करती है उसके 32 times के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पर मिनट ह्यूमन 72 times, सॉरी ये तो हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हाँ तो देखिए 32 times पर मिनट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन 72 मिनट करता है, उसके 32 times जस्ट बोर्न बेबी करती है। इस बात को आप याद रखें कि बेबी बहुत ज़्यादा करती है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी हार्ट रेट जो होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो घटते जाएगी। अगला सवाल हम देखते हैं, हाउ देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स, ह्यूमन के वॉइस बॉक्स में कितने तरह के वोकल कॉर्ड होते हैं, ये आपको इस सवाल में पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत ही आसान से सवाल है, वोकल कॉर्ड के मतलब समझ रहे होंगे, इस तरह की जो बॉक्सेस बने रहते हैं आपकी वोकल कॉर्ड में, ऊपर में एपिग्लोटिस होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ दो है, ठीक है, दो वोकल कॉर्ड है, वॉइस बॉक्स होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 50 एक्सपेक्टेड MCQ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर सबसे कोई भी एग्ज़ाम में आपके सवाल आएगी दोस्तों, तो उम्मीद है आपकी एक भी सवाल अब नहीं छूटेगा जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, नई चैप्टर के साथ, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए इतनी स्पेशल क्लासेस यहां पर लेकर के आता हूं। तो इसको आप अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए कि हाँ एक और सर हैं जो कि जनरल साइंस की और मैथ्स की बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जितने सारे क्वेश्चन के मैंने कमेंट करने के लिए कहा था उसके आप कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।